हेलो दोस्तों, मैं संजय सर। आज आपका अपने चैनल संजय क्लासेस में स्वागत करता हूँ। बच्चों, जैसे कि आपको पता है, आपका बिजनेस स्टडीज़ का एग्ज़ाम है, तो मैंने अपनी बिजनेस स्टडीज़ की फैकल्टी से रिक्वेस्ट करी एंड सुनील सर आपके लिए वीडियो लेकर आ रहे हैं। बच्चों, पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि सुनील सर ने 12th क्लास में 95.25 एग्रीगेट उन्होंने स्कोर किया था एंड उनके बिजनेस स्टडीज़ में 95 मार्क्स थे। उन्होंने हंसराज कॉलेज से अपनी इंग्लिश ऑनर्स कर रहे हैं। अब आगे की जो भी वर्ड्स रहेंगे वो आपको सुनील सर ही बताएंगे। हाँ जी सर, सुनील सर प्लीज़। हेलो बच्चों, मेरा नाम सुनील है और आपको जैसे पता है कि आपका अब एग्ज़ाम आने वाला है बिज़नेस स्टडीज़ का, ठीक है। आपके दो पेपर हो चुके हैं, इंग्लिश और अकाउंटेंसी, ठीक है, जैसा भी गया। लेकिन अब हम फोकस करते हैं अपने नेक्स्ट पेपर पे, जो कि हमारा बिज़नेस स्टडीज़ है। और इसके मैं कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के मैं आपको डेली बेसिस पे मैं करता रहूँगा थोड़ा बहुत। और आज मैं जो करवा रहा हूँ आपको, वो प्रिंसिपल्स करवाने जा रहा हूँ बेसिकली। अब प्रिंसिपल्स क्या है सर, अगर मैं बात करूँ, प्रिंसिपल सर मैनेजर को गाइड करते हैं। कल को किसी सिचुएशन में अगर मैनेजर फंसता है तो वो उन प्रिंसिपल्स का यूज़ करके वो उसी के बेसिस पे डिसीजन ले सकता है, ठीक है सर। और प्रिंसिपल एक रिलेशनशिप दिखाते हैं कॉज एंड इफेक्ट का। कॉज आपको पता है, कोई चीज़ हो रही है तो क्यों हो रही है, और उसका इफेक्ट का मतलब उसका नतीजा क्या है। अब कल को अगर मैं मानता हूँ कि कल को एक मैनेजर है, उसको पता चलता है कि उसके टीम के मेंबर्स उसके साथ कोऑपरेट नहीं करते, और उसको रीज़न पता लगा, क्या रीज़न था, कारण क्या था, कि वो ये मानते हैं, मेंबर्स ये मानते हैं कि जो मैनेजर है वो थोड़ा रूड है, उसका बिहेवियर एरोगेंट है। ये तो कारण हो गया, और इसका नतीजा क्या कि सर वो लोग उसके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे। तो कल अब वो उसने क्या, एक प्रिंसिपल आपको पता ही है सर, एस्पेरे डे कॉप्स, जब उसने ये पढ़ा, उसने ये समझा कि हमें हमेशा टीम स्पिरिट के साथ काम करना चाहिए, और काम जो वर्क प्लेस पे कभी भी आई का यूज़ नहीं करना, हमने वी का यूज़ करना है। तो जब उसने अपने अंदर ये चेंज लाया तो उससे ये इफेक्ट नतीजा निकला कि सर उसको कॉपरेशन मिलने लगी। तो सिंपल सी बात है, ये यहाँ पे प्रिंसिपल्स का काफ़ी बड़ा रोल था, एस्पिरी डी कॉप्स का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल था। उसने उसके अंदर के बिहेवियर को चेंज किया और उसे गाइड किया कि उसे फ्यूचर में फर्दर डिसीजन कैसे लेने हैं। अच्छा, अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंस बताता हूँ, प्रिंसिपल्स की इंपॉर्टेंस क्या है सर। ये आपके रिसोर्सेज का अच्छे से अच्छा यूज़ करने में आपको हेल्प करती हैं, आपको बैलेंस डिसीजन लेने में हेल्प करती हैं, सोच समझ के डिसीजन लेने में हेल्प करती हैं। आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है, सोसाइटी से रिलेटेड जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसको पूरा करने में हेल्प करती हैं, ठीक है सर। ये आपको एजुकेट करती है, मैनेजर को एजुकेट करती है, ट्रेंड करती है, और रिसर्च करने पे मजबूर कर, रिसर्च इन द सेंस कि उसको किस फील्ड में कितना काम करना है, प्रिंसिपल्स आपकी हेल्प करती हैं। और इस प्रिंसिपल्स और मैनेजमेंट में आपको दो लोगों ने प्रिंसिपल्स दिया है सर, एक आपका फेडरिक विंस्लो टेलर ने, और दूसरा आपका सर ये आपके हैंनरी फ्योल ने। और हैंनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स को ना जा, जान किस नाम से जाना जाता है, जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, ठीक है सर। इनकी सर इनके प्रिंसिपल, जब इन्होंने प्रिंसिपल्स बनाए, इन्होंने दो चीज़ें माइंड में रखी। फर्स्ट, इनके प्रिंसिपल सर सजेस्टिव है, इनके नेम से ही बहुत कुछ पता चल जाता है इन प्रिंसिपल्स के बारे में। अगर आप नेम पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा, अच्छा इस प्रिंसिपल में ऐसा है। तो नेम क्या है इनका, प्रिंसिपल के नेम क्या है, सजेस्टिव है। और दूसरा, ये फ्लेक्सिबल है, इतने हार्ड नहीं है। चलिए अब हम बारी बारी से अपने सारे प्रिंसिपल्स के रिविजन करते हैं। और सबसे पहला प्रिंसिपल जो आपके सामने है वो आपका है डिवीजन ऑफ वर्क। देखो नाम से ही पता चल रहा है, काम को तोड़ दो या बांट दो, लेकिन काम को बांटना किस हिसाब से है, उन बंदों की एबिलिटी के हिसाब से, ठीक है, उनके इंटरेस्ट के हिसाब से। अगर कल को मैं किसी ऐसे बंदे को काम देता हूँ जिसमें उसका इंटरेस्ट ही नहीं है, तो क्या फायदा, क्या वो काम को टाइम से कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, उसका मन भी नहीं लगेगा। तो भैया बात ऐसी है, आपको काम को बांटना है तो उन पर्सन को आपको पहले देखना है, क्या वो बंदा उस काम के लिए एबल है, क्या एबिलिटी रखता है, क्या वो कर सकता है उस काम को, और क्या उसका वो इंटरेस्ट है। इससे क्या होगा सर, हमारा काम टाइमली पूरा होगा। इसके बेनिफिट्स क्या है सर, हमारा काम टाइमली पूरा होगा, स्पेशलाइजेशन आएगी, ठीक है। और अगर आप नहीं फॉलो करते, इससे क्या होगा सर, स्पेशलाइजेशन नहीं आएगी और काम टाइम से पूरा नहीं होगा। दूसरा प्रिंसिपल चलिए हमारा है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी का मतलब क्या होता है सर, पहले देखो, कभी भी कोई टॉपिक आप पढ़ते हो तो आपको उसकी उसका मतलब पता होना चाहिए, उस वर्ड का मतलब पता होना चाहिए। आपने पढ़ा यहाँ पे अथॉरिटी, अथॉरिटी का मतलब होता है पावर्स टू टेक डिसीजन, कि आपके पास पावर है, आप किसी भी डिसीजन को ले सकते हो। और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब सर, एक तरह से मैं बोलूँ, जिम्मेदारी या काम। अब यार मैं आपको काम देता हूँ, मैं आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंप के मैं चला जाता हूँ कि भैया ये काम कर देना, पर मैंने आपको अथॉरिटी नहीं दी कि आप ना इस चीज़ की रिगार्डिंग आप डिसीजन ले सकते हो। आप मेरा वेट करोगे कि कल को सर आएंगे और वो जब मेरे को बोलेंगे कि हाँ ठीक है, और जब वो ओके करेंगे तब जाके मैं वो काम पूरा करूँगा, नहीं। तो कहने का मतलब यह है, आपको जिस भी बंदे को आप रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो, आपको उसको अथॉरिटी भी देना चाहिए, मतलब इट शुड गो हैंड इन हैंड,
अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ में जानी चाहिए। ठीक है सर, तीसरा काम क्या होगा सर? तीसरा प्रिंसिपल हमारा है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का इन द सेंस कि सर चाहे वो सुपीरियर हो चाहे वो सबॉर्डिनेट हो, रूल्स रेगुलेशन सबके लिए हैं और सबको वो फॉलो करना चाहिए। लाइंस जरा हम पढ़े तो क्या है, द ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स एंड एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट शुड बी ओबेड बाय बोथ द सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट। सुपीरियर आपको पता है जो ऊपर, सबॉर्डिनेट जो उसके नीचे काम करता है। ठीक है सर, तो अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन में अपने ऑब्जेक्टिव को अच्छे से अचीव करना है, इट मीन्स जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं आपके दोनों अचीव, दोनों फॉलो कर रहे हैं, कौन? सुपीरियर भी और सबॉर्डिनेट भी। अच्छा, अगला प्रिंसिपल हमारा क्या है? यूनिटी ऑफ कमांड। सर ये अप्लाई होता है वर्कर्स पे। देखो दो आप प्रिंसिपल्स पढ़ोगे पेपर में जनरली आ जाता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं यूनिटी ऑफ कमांड में क्या है और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में क्या है। मैं बताऊँ यूनिटी ऑफ कमांड वर्कर्स के लिए कि यार एट अ टाइम, एक टाइम पे एक सबऑर्डिनेट को, ठीक है, एक सुपीरियर से ऑर्डर मिलना चाहिए। सर दो से मिल गया तो क्या होगा? यार अगर दो से उसको ऑर्डर मिलेगा, जैसे अगर मैं यहाँ दिखाऊँ आपको, एक एम वन है, एम वन मैनेजर वन और मैनेजर टू, ठीक है, और यहाँ पे एस वन एस टू एस थ्री, एस वन को ऑर्डर मिल रहा है एम वन से भी और एम टू से भी। अब यार एक टाइम पे दो बंदों से ऑर्डर मिल रहा है, दो हेड से ऑर्डर मिल रहा है, वो कंफ्यूज हो जाएगा कि किसका वो किसके ऑर्डर को पहले माने। मान लो वो एम वन का ऑर्डर पूरा करता है तो एम टू के मन में क्या बात जाएगी, यार इसने मेरे ऑर्डर को नहीं माना। ये चीज़ें होती हैं, तो और वो अगला बंदा भी कंफ्यूज रहेगा कि वो किसके ऑर्डर को पहले पूरा करे। तो राइट अप्रोच क्या होगी कि एम वन है, और देखो आप देखो एरो भी जा रहा है एस वन एस टू एस थ्री, मतलब S1 को एक टाइम पे एक ऑर्डर मिल रहा है किससे? M1 से। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि आप किसी भी इंडिविजुअल को अगर आप वो देते हो रिस्पॉन्सिबिलिटी या अथॉरिटी देते हो जो भी है, तो आपको अगर काम देते हो तो आपको एट अ टाइम एक 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 को देना है। ठीक है, आपको बार बार अलग अलग उससे नहीं करना। ठीक है, और बच्चों ये जो प्रिंसिपल्स मैं आपको करा रहा हूँ, ये जो बुक है इसका, ये आर के सिंगला की पब्लिकेशन है, आर के सिंगला की। और अपने टाइम पे जब मैं भी एज अ स्टूडेंट, जब मैं ट्वेल्थ में था, तो मैंने भी ये बुक प्रेफर की थी, और ये बुक अच्छी है। ये मेरा ओपिनियन है, बाकी आप लोग जिस भी बुक को प्रेफर करते हो टू द बेस्ट, अगर आप उसमें मेहनत कर रहे हो तो आपको रिजल्ट मिलेगा, ऐसी कोई बात नहीं। बाकी सब में कंसेप्ट एक जैसा ही होता है। ठीक है, अच्छा अब हम अपने नेक्स्ट प्रिंसिपल पे जाते हैं। इस प्रिंसिपल का नाम है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अगर मैं इसकी लाइन को मैं पढ़ूँ सर, इसमें मेन लाइन जो है, देयर शुड बी वन हेड एंड वन प्लान फॉर अ ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज हैविंग द सेम ऑब्जेक्टिव। फॉर अ ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज, जितने भी काम हैं जिनका ऑब्जेक्टिव सेम है, अगर मैं मान लूँ दो ऑब्जेक्ट, मान लो एक बिजनेस है और वो एक कंपनी है, वो क्या बोलते हैं आपका स्कूटर भी बनाता है और आपका कार भी बनाता है। ठीक है, तो कार से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव काम होंगे उसका ऑब्जेक्टिव सेम होगा, उनका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? कार बनाना। और स्कूटर से रिलेटेड जितने भी काम होंगे उनका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? स्कूटर बनाना। तो उनके लिए अलग अलग हेड होना चाहिए, देयर शुड बी वन हेड। ऐसा नहीं कि एक ही बंदा स्कूटर वाले को भी संभाल रहा है और एक ही बंदा कार वाले को भी संभाल रहा है, ये बात कह रहा है। कहने का मतलब जितने भी काम जिनका ऑब्जेक्टिव सेम है आपको उनको एक ही हेड देना चाहिए और उनके लिए एक ही प्लान बनना चाहिए, ये बात कह रहे हैं। अच्छा, डिफरेंस की मैं बात करूँ थोड़ा सा यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन की। सर यूनिटी ऑफ कमांड का मीनिंग क्या है कि सर एक सबॉर्डिनेट को एक टाइम एक ही सुपीरियर से ऑर्डर मिलना चाहिए, और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब क्या है सर? एक बंदे के सुपरविजन के अंदर, ठीक है, वो सारा काम होना चाहिए, ये बात कह रहे हैं आपको। अच्छा, एम की मैं बात करूं, ये डुअल सबॉर्डिनेशन, मतलब डुअल सबॉर्डिनेशन दो बंदों को एक टाइम पे ऑर्डर देना, ये इस चीज से बचाता है। और सर ये ओवरलैपिंग, काम ओवरलैप ना हो, इस चीज से बचाता है। इम्प्लीकेशन की मैं बात करूँ सर, ये इंडिविजुअल पर्सन पे इफेक्ट डालता है, ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन पे इफेक्ट डालता है, क्योंकि सारी एक्टिविटीज की बात कर रहे हैं। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट प्रिंसिपल पे आते हैं। इस प्रिंसिपल का नाम है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। अच्छा, सबऑर्डिनेशन मैंने आपको बताया था, आपने पढ़ा सुपीरियर सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट का मतलब नीचे वाला। अब यहाँ पे लाइंस को जरा पढ़ो, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट। इंडिविजुअल इंटरेस्ट मतलब, अब इंडिविजुअल का मतलब क्या है? इंडिविजुअल मैं और आप, ये इंडिविजुअल है, ठीक है, और जनरल का मतलब हम सब। अब इंडिविजुअल, हम सब अपने फायदे, अब दुनिया देखो सेल्फिश है, ठीक है, हम सब अपने बारे में पहले सोचते हैं, बाद में सबकी भलाई के बारे में सोचते हैं। तो अगर आप बिजनेस में काम कर रहे हो, आप किसी बिजनेस के अंदर काम कर रहे हो, तो आपको सबके भले को साथ में लेके चलना होता है, आपको अपना भला नहीं देखना, आपको सबका भला देखना है। ठीक है, तो सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट मतलब आपको इंडिविजुअल इंटरेस्ट को नीचे रखना है, किससे नीचे रखना है? जनरल इंटरेस्ट से। इसमें कई बार सिचुएशन में पेपर में कैसे भी आता है कि जैसे एक फादर है, वो कहीं का हेड है, मैनेजर है, ठीक है, और उसका बेटा मार्केट में, वो ना प्रोडक्शन मैनेजर है, ठीक है, और उसको ना रॉ मटेरियल कहीं से खरीद के लाना है। अब उसे पता है मार्केट में उसका बेटा भी रॉ मटेरियल बेचता है,
और वो ना महंगे में बेच रहा है एज़ कम्पेयर टू दूसरे, तो लेकिन वो अपने बेटे से ले रहा है, क्यों? क्योंकि उसके फिर वो अपने बेटे से लेगा तो उसके घर में ही जा रहा है वो प्रॉफिट, तो वो अपना फ़ायदा देख रहा है जो कि गलत है, ठीक है। तो आपको यहाँ और बिजनेस का सर कॉस्ट बढ़ेगा, अगर मैं बात करूँ, अगर अब वो महंगे में सामान ला रहा है तो बिजनेस को तो नुकसान ही है, तो वो अपने जनरल इंटरेस्ट को ध्यान नहीं रख रहा, वो किसको इंडिविजुअल इंटरेस्ट देख रहा है जो कि गलत है। इट मीन्स आपको आपके लिए पहले ऑर्गेनाइजेशन का भला है फिर इंडिविजुअल इंटरेस्ट, ये बात क्लियर है। अगला है रीमनरेशन टू एम्प्लॉयज। अच्छा रीमनरेशन का मतलब ही क्या होता है सर? सर सैलरी यहाँ पे मैं बात करूँ, आपको फेयर सैलरी देनी है किसको? अपने एम्प्लॉयज़ को, ताकि वो अपना रीजनेबल स्टैंडर्ड आपको पता ही है, रोटी कपड़ा मकान इन चीज़ों को तो वो अचीव कर ले, ये बात क्लियर है, आपको फेयर उनको पे करना है। अच्छा अगला प्रिंसिपल क्या है हमारा? सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। देखो सेंट्रलाइजेशन की मैं बात करूँ, ये एक हाथ है, ठीक है, अगर मैं सारी पावर्स को एक जगह करता हूँ ये सेंट्रलाइजेशन है, और सारी पावर्स को अगर मैं बांट, ये डिसेंट्रलाइजेशन है। तो भैया अगर सारी तरह से आप पावर बांट भी रहे हो वो भी गलत है, ठीक है, और अब सारी तरह से पावर को अपने हाथ में ले रहे हो वो भी गलत है। इट मीन्स आपको इस तरह से, इट मीन्स ना आपको कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन को फॉलो करना है, ना आपको कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन को फॉलो करना है, मतलब आपको कुछ पावर्स बांटनी भी है और कुछ पावर अपने पास भी रखनी है, ठीक है, ये चीज़ है सर। इससे अगर एग्जाम्पल अगर पेपर में आता है कैसे सर? सर जैसे ये होता है कभी कभी, अगर मान लो एक एम्प्लॉई है, एक वो वर्कर है, उसको छुट्टी चाहिए, ठीक है, तो वो अपने सुपरवाइजर के पास जा सकता है छुट्टी के लिए, ठीक है, उसको वहां तो नहीं, अब वो अगर मान लो सेंट्रलाइजेशन फॉलो हो रही है उस बिजनेस के अंदर, इट मीन्स सारी पावर्स किसके हाथ में? टॉप लेवल के हाथ में। अब उसको छोटी सी छुट्टी चाहिए तो वो किसके पास जा रहा है? टॉप लेवल के पास। तो मतलब ये ना दिक्कतें क्रिएट करता है, ठीक है, इस ये छोटे मोटे डिसीजन कौन ले सकता है? जूनियर लेवल का मैनेजर भी ले सकता है। तो इसलिए कहा जाता है ना तो सारी पावर अपने पास रखो और ना तो सारी पावर पूरी तरह से बांटो, ठीक है। अच्छा अगला है सर हमारे स्केलर चेन। स्केलर चेन क्या है सर? अगर डेफिनेशन पे मैं जाऊँ, इट इज अ फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी एंड कम्युनिकेशन। एक अथॉरिटी एंड कम्युनिकेशन की एक लाइन है, ये देखो एक लाइन है, ठीक है, यहाँ पे दो लाइन्स हैं लेकिन ये फॉर्मल अथॉरिटी है। देखो अगर मैं बात करूँ, ए है, ए सबसे हेड है, बी उससे नीचे है, फिर सी उससे नीचे है, ये सारी चीजें हैं। तो फ्यूल क्या कहता है? फ्यूल ने एक लैडर के उसमें समझा रखा है। फ्यूल का मानना ये है कि जब भी आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, ठीक है, तो आपको स्ट्रिक्टली उसको एक सिस्टम से फॉलो करना है। ऐसे नहीं एफ सीधा बात करेगा ए से, ऐसा नहीं हो सकता। अगर एफ को कम्युनिकेट करना है ए से तो उसको कैसे पास ऑन करना पड़ेगा? एफ को ई से बात करना पड़ेगा, फिर ई को डी से, डी को सी से, ऐसे होता है। ये तो हमारा क्या है? स्केलर चेन। लेकिन सर इसका एक एक्सेप्शनल वो भी है। एक्सेप्शन मतलब अगर मान लो इनकेस इमरजेंसी है, कोई डिसीजन लेना है, तो सर उस केस में आता है आपका गैंग प्लैंक। गैंग प्लैंक का मतलब क्या होता है? और ये याद रखना, ये सबसे ज्यादा जरूरी बात क्या है, ये सेम लेवल के पोस्ट के बंदों के बीच में होता है। ऐसा नहीं एफ सीधा बात करेगा एम से, ऐसा नहीं होता। एफ सीधा बात किससे कर सकता है? पी से। अगर मैं बात करूं सी किससे बात कर सकता है? एम से। ये बात क्लियर है? वो सेम लेवल के पोस्ट के बंदों के बीच में ये एस्टैब्लिश होता है, क्या? गैंग प्लैंक। ये बात क्लियर है सर? अगर हम इस आपने बोला सर ये सिस्टम से फॉलो करना, अगर हम फॉलो नहीं करते इससे क्या होगा? सर देखो अगर मान लो एफ जो बंदा है, अगर वो अपने क्लोज सुपीरियर जो है उससे बात नहीं करता, वो सीधा डी से बात करता है, तो ई क्या समझेगा? यार ई का ईगो हर्ट हो जाएगा, यार मैं इसका बॉस हूं लेकिन ये मेरे पास नहीं जा रहा है, किसके पास जा रहा है? डी के पास जा रहा है। तो ये सारी चीजें भी हमें ध्यान में रखनी होती हैं। अच्छा अब नेक्स्ट प्रिंसिपल हमारा कौन सा है सर? प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। सर ऑर्डर दो तरह का, सर अगर मैं बात करूँ ऑर्गेनाइजेशन में दो तरह की चीजें होती हैं सर, एक तो आपका मटेरियल, ठीक है, और एक आपका सर ह्यूमन, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है। अगर आप अगर मान लो जो चीज़ें जहाँ पे हैं वो अगर वहाँ पे ना रहे, अगर मान लो कल को आप क्या करते हो, आप आते हो स्कूल से आते हो, ठीक है, आप अपना बैग वैग इधर उधर फेंक देते हो, ठीक है, आप अपने सामान को इधर उधर प्रॉपर सिस्टम से नहीं रखते। कल को अगर आपको सामान चाहिए तो आपको वो चीज़ें नहीं मिलेंगी, लेकिन अगर आपने प्रॉपर सिस्टम से उसको एक जगह रख रखा है तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी उसे ढूंढने में। तो उसी तरह सेम ऑर्गेनाइजेशन में होता है, ठीक है, इनकी लाइन्स इंपॉर्टेंट होती हैं, पेपर में सेम रिपीटेड लाइन्स ही आती हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ, देखो अ प्रॉपर प्लेस फॉर एवरीथिंग बेटा यहाँ पे एवरीथिंग है मटेरियल के लिए, ठीक है, ये मटेरियल इन द सेंस की मतलब ये चीज़ों के लिए है, ना कि इंसानों के लिए। हर एक चीज़ की अपनी अपनी प्रॉपर प्लेस है, और एवरीथिंग इन इट्स राइट प्लेस, और हर एक चीज़ को उसके राइट प्लेस पे ही होना चाहिए ताकि हम उसे वो हमें टाइमली मिल जाए। अच्छा मैं इंसान की बात करूं सर, अ प्लेस फॉर एवरीवन, एवरीवन इंसान के लिए यूज़ कर रहा है, मतलब हर एक बंदे के लिए उसकी जगह बनाई गई है, और हर एक बंदे को उसके अपने जो जगह उसको दी गई उसको वहीं होना चाहिए। अगर स्कूल की मैं बात करूं, अगर आपका जो जैसे प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल सर अपने वो हेड है वो स्कूल के, ठीक है, अगर वो क्या बोलते हैं वहाँ गेट पे बैठेंगे तो वो तो चलेगा नहीं, क्योंकि उनकी पोजीशन क्या है कि वो कहाँ प्रिंसिपल रूम में बैठेंगे, वो गेट पे तो बैठेंगे नहीं। ये बात समझ आ रही है आपको? तो हर एक बंदे की अपनी अपनी जगह है और उसको अपने ही जगह पे रहना चाहिए, ठीक है सर, ये ऑर्डर है। अच्छा अब हमारे चार प्रिंसिपल्स और बच रहे हैं सर, क्या है? इक्विटी। इक्विटी मतलब इक्वालिटी, मतलब आपको फेयरली डील करना है,
कोई भी पर्सन है, चाहे वो आपका फेवरेट ही क्यों ना हो, नहीं, आपको सर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना, आपको उनके साथ फेली जितना फेली हो सके आपको उनके साथ डील करना है। इससे क्या रहेगा सर, सभी एम्प्लॉयज़ के बीच में सेटिस्फैक्शन लेवल बना रहेगा, ठीक है सर, ये चीज़ है। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल, सर पर्सोनल का मतलब क्या होता है, कर्मचारी, और हमें फोकस करना चाहिए कि हमारे बिजनेस में या हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो पर्सन है वो लंबे टाइम तक टिका रहे। सर लंबे टाइम तक क्यों टिका रहे, देखो सर इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि सर हमें उसे बार बार ट्रेनिंग नहीं देनी पड़ेगी, हमें उसे बार बार सिखाना नहीं पड़ेगा कोई काम, वो जल्दी से उसे, क्योंकि एक्सपीरियंस मैटर्स अलॉट, आपको पता है एक्सपीरियंस काफ़ी मैटर करता है। अब बार बार अगर एम्प्लॉई छोड़ के जाएगा तो इससे क्या हमारे वो हमारा काम कंटिन्यू मैनर में होगा नहीं, ठीक है, और कोई भी नया बंदा आएगा हमें उसे सिखाना पड़ेगा। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि आप अपने एम्प्लॉइज को रोक के रखो, देयर शुड बी स्टेबिलिटी, वो स्टेबल रहे हमारे बिजनेस के अंदर, ठीक है, ताकि हमारा काम कंटिन्यू चलता रहे। इनिशिएटिव, इनिशिएटिव का मतलब मैं बात करूं सर, आप अगर अपने एम्प्लॉयज़ को एक मौका देते हो कि वो भी हमें क्या दे, सजेशंस दे, ये क्या है इनिशिएटिव। जैसे क्लास में टीचर पूछते हैं अच्छा बताओ इसका आंसर किसको पता है, तो आप लोग इनिशिएटिव लेते हो, आप लोग बताते हो, आप लोग सजेशन देते हो, तो उसी तरह बिजनेस में भी बिजनेस को क्या करना चाहिए, अपने जो सारे एम्प्लॉयज़ हैं उनसे क्या लेनी चाहिए, सजेशन लेनी चाहिए। ये तो आपकी हो गई इनिशिएटिव। अब सबसे लास्ट और सबसे कॉमन जो प्रिंसिपल हमारा वो स्पिरिट डी कॉप्स, मैंने बताया आपको स्टार्टिंग में भी, इंट्रोडक्शन में बताया, इट मीन्स आपको आई का यूज़ नहीं करना, आपको वी का यूज़ करना है। ऐसे नहीं कि आई विल डू इट, मैं कर लूँगा, नहीं, हमें बोलना है वी विल डू इट, हम इसे कर लेंगे, ये बात क्लियर है आपको। तो सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया फ्यूल के प्रिंसिपल, मैंने आपको यहाँ पर डिस्क्राइब किया कि फ्यूल के प्रिंसिपल क्या है, इनका मतलब क्या है, बाकी आपने इनके मेन थीम्स, मेन लाइन जो मैंने आपको बताई थी, जैसे कि एवरीथिंग प्ले अ प्रॉपर प्लेस और एवरीथिंग एवरीथिंग इन राइट प्लेस, इन सब चीज़ों को आपने ध्यान रखना है ताकि पेपर में इसी तरह की अगर लाइन्स आए तो आप उनको इजीली कर पाओ। बाकी मेरी तरफ से इतना ही, थैंक यू। अच्छा, और आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, एंड बच्चों अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप बच्चों मेरे नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हो, मेरा नंबर है 9716980980, मैं अपनी रिस्पेक्टिव फैकल्टी को आपका डाउट भेज दूंगा एंड आपके डाउट का सोल्यूशन हम पक्का देंगे बच्चों, बताओ। तो आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियोज़ को अगर अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कीजिए, अगर पसंद नहीं आई है तो कमेंट जरूर दीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को जरूर क्लिक करना है, जो भी है आपको अपनी इन्वॉल्वमेंट जरूर बनाए रखनी है। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच।